अगर दोस्तों आपको मरीन इंजीनियरिंग के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है और आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टेक्निकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना है और ये जानना है कि कौन से सवाल पूछे जाते हैं, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मरीन वेल्स के इस एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त जयवर्धन सिंह राणावत और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे मेन इंजन से रिलेटेड सवाल जो कि इंटरव्यूज में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार लोग उन सवालों का गलत जवाब देते हैं। इस पूरे वीडियो में हम वो सारे के सारे सवाल आपको बता देंगे। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और इस चैनल को जो सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबा लीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे वीडियोज अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार और रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि जितने भी सवाल हैं सिर्फ उनके ये जवाब मैं नहीं बताने वाला हूँ, मिस्टेक्स भी बताने वाला हूँ कि लोग जनरली क्या मिस्टेक करते हैं ये जवाब देते टाइम, और दोस्तों आप उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव कैसे करके आप एक अच्छा जवाब, एक असली, एक सही जवाब कैसे दे सकते हैं इन सारे सवालों का। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल हम डिस्कस करेंगे, जो सबसे पहला सवाल जो बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है मेन इंजन से रिलेटेड, वो है हाउ मैनी कैम्स आर प्रोवाइडेड पर यूनिट इन अ 2-स्ट्रोक डीजल इंजन। मैं आपके लिए क्वेश्चन को रिपीट करूंगा दोस्तों, हाउ मैनी कैम्स आर प्रोवाइडेड पर यूनिट इन अ 2-स्ट्रोक मरीन डीजल इंजन। हिंदी में भी आपके लिए अनुवाद कर देता हूं, एक मरीन डीजल इंजन का जो एक यूनिट है उसमें कितने कैम्स प्रोवाइडेड होते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब बहुत सारे लोग डायरेक्ट सोचने लग जाते हैं वहां पे कि क्या इसमें मेन है, क्या इसमें इनलेट वाल्व होता है। सबसे पहले तो लोगों के दिमाग में आता है कि कैम का क्या काम होता है। उस टाइम पे लोग ये सोचना शुरू कर देते कि अरे कैम का क्या काम होता है, फिर वो सोचते कि वाल्व ओपन करना होता है, फिर वो सोचते कि क्या क्या वाल्व ओपन करना होता है, फिर वो देखने लग जाते कि अच्छा कौन कौन से वाल्व होते हैं सिलेंडर हेड के ऊपर। इतना टाइम वेस्ट करने लग गए तो हो गया दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि अंदर जाकर ये मिस्टेक करके आ जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वो होता है कि वाल्व्स होते हैं जो कैम होते हैं उनका काम होता है वाल्व को ओपन करना, तो और सिलेंडर के ऊपर तो रिलीफ वाल्व भी होता है, ये बोल जाते हैं कि रिलीफ वाल्व कैम का काम होता है, रिलीफ वाल्व ओपन करना, उसके लिए भी एक कैम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो ये दोस्तों बेवकूफ़ी ना करें आप इंटरव्यू रूम में जाकर। सिर्फ दो ही वाल्व ऑपरेट करता है जो कैम है यहाँ पे 2-स्ट्रोक मरीन डीजल इंजन में, और वो दो वाल्व है दोस्तों, एक है फ्यूल वाल्व और दूसरा है एग्जॉस्ट वाल्व। सिर्फ यही दो वाल्व है दोस्तों जो कि कैम ऑपरेटेड होते हैं, और इसीलिए कितने वाल्व प्रोवाइडेड, क्योंकि हमारे पास दो वाल्व है तो कितने कैम्स प्रोवाइडेड होने चाहिए, सिर्फ दो। तो इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों, 2 कैम्स आर प्रोवाइडेड पर यूनिट फॉर अ 2-स्ट्रोक मरीन डीजल इंजन, दैट इज इट, खत्म। अब दोस्तों अगला सवाल होता है कि वॉट इज टेपिड क्लियरेंस, टेपिड क्लियरेंस क्या होती है। तो इसका भी दोस्तों ये जब वहाँ पे जाके लोग सोचते हैं कि यार जो टेपिड क्लियरेंस होती है ये 4-स्ट्रोक इंजन में होती है, 2-स्ट्रोक इंजन में नहीं होती, इतना दिमाग वहाँ पे चलाने की दोस्तों ज़रूरत है ही नहीं। आपको अगर सिर्फ आपके बेसिक फंडामेंटल्स दोस्तों आपके क्लियर है तो आप बड़ी ही आसानी से इन सारे सवालों का जवाब वहाँ पे दे देंगे, और फंडामेंटल्स आपको क्लियर करने के लिए अभी से आपकी प्रिपरेशन शुरू करनी होगी। और प्रिपरेशन आप कैसे शुरू करेंगे, एडवांस मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस की बुक लेकर, उसके अंदर 250 क्वेश्चन दोस्तों हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके उसके अंदर ऐड किए हैं, हर बेसिक, हर जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उससे। और ये सवाल अगर आपने एक बार पढ़ लिए, ये सवाल और इनके जवाब वो भी उसमें देकर रखे हैं, ये सवाल जवाब अगर आपने पढ़ लिए तो दोस्तों आपको कोई नहीं रोक सकता कोई भी टेक्निकल का जवाब देने में, कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन का जवाब देने में इंटरव्यू में। अब दोस्तों अगला है पॉइंट यही, वॉट इज टेपिड क्लियरेंस। तो दोस्तों टेपिड क्लियरेंस का आप सीधा सा आंसर दे, बहुत सारे लोग घुमाने लग जाते हैं कि ये 4-स्ट्रोक इंजन में होता है, 2-स्ट्रोक इंजन में नहीं होता, इतना सब पूछा ही नहीं है। नॉर्मली सिर्फ बेसिक पूछा जाता है इंटरव्यू रूम में कि व्हाट इज टेपिड क्लियरेंस, और व्हाट इज टेपिड क्लियरेंस का दोस्तों यही है सिंपल सा जवाब कि टेपिड क्लियरेंस इज द क्लियरेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द वाल्व स्पिंडल एंड रॉकर आर्म। जो आपका जो वाल्व स्पिंडल का जो टॉप होता है और रॉकर आर्म के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं टेपिड क्लियरेंस, दैट इज इट। इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है कि कौन से टाइप के इंजन में होता है और कहाँ होता है, क्या होता है, नहीं पूछते हैं। नॉर्मली सिर्फ इतना पूछा जाता है कि व्हाट इज टेपिड क्लियरेंस, और जवाब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द वाल्व स्पिंडल एंड रॉकर आर्म। तो दोस्तों जो तीसरा सवाल है अब वो है,
ये जो सवाल है दोस्तों, सबसे पहले बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है मरीन इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज में, और मेन इंजन से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल पूछे जा रहे हैं तो काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये सवाल आपको जरूर जरूर पूछा जाए। बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है मरीन इंजीनियरिंग का और आपसे मेन इंजन से रिलेटेड सवाल पूछे गए तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये सवाल आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका होगा, और अगर नहीं दिया है अगर आपने अभी तक कोई इंटरव्यू तो ये सवाल को पढ़ लीजिए। और दोस्तों आपका जो अगर ये सवाल पूछने के जो चांसेस है वो अगर बढ़ गए तो आप बड़ी आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों ये जो सवाल है वो है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पिस्टन रिंग्स? पिस्टन रिंग का पर्पस क्या है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारे लोगों को इसका जवाब नहीं पता होता है, और बहुत सारे लोगों को अगर जवाब पता भी होता है तो वो इंटरव्यू रूम में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और यहाँ पे दोस्तों आ जाती है दिक्कत। तो दोस्तों हम सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे कि पिस्टन रिंग्स का पर्पस क्या होता है। तो दोस्तों पिस्टन रिंग्स के जो होते हैं वो तीन पर्पस होते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों पर्पस होता है वो होता है कि कंबशन स्पेस को सील करना। दोस्तों जो कंबशन स्पेस की जो प्रेशराइज्ड गैसेस होती है वो पीछे से पिस्टन रिंग के ऊपर एक्ट करती है, और जो पिस्टन रिंग है उसको लाइनर के अगेंस्ट प्रेस कर देती है, उसकी वजह से एक अच्छी सीलिंग प्रोवाइडेड होती है और गैसेस लीक नहीं होती है कंबशन चेंबर से। तो दोस्तों इसको आप फ्रेम कैसे करेंगे आंसर को, द फर्स्ट पर्पज ऑफ पिस्टन रिंग इज टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ कंबशन गैसेज फ्रॉम द कंबशन स्पेस। बस ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा दोस्तों डिस्कस करते हैं कि दूसरा पर्पस क्या होता है पिस्टन रिंग का। तो दोस्तों पिस्टन रिंग का दूसरा पर्पस होता है पिस्टन से सिलेंडर लाइनर में हीट ट्रांसफर करना। पिस्टन में जो हीट प्रोड्यूस होती है इंजन के ऑपरेशन के दौरान, उस हीट को सिलेंडर लाइनर में ट्रांसफर करना, यह होता है पिस्टन रिंग का दूसरा पर्पस। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द सेकेंड पर्पस ऑफ पिस्टन रिंग इज टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम पिस्टन टू द सिलेंडर लाइनर, इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। अब जो दोस्तों जो थर्ड पर्पस होता है पिस्टन रिंग का वो होता है कि सिलेंडर ल्यूब्रिकेशन में ये हेल्प करता है। जो अपना जो सिलेंडर ल्यूब ऑयल होता है ल्यूब्रिकेशन के लिए, उसको ये स्प्रेड करने में हेल्प करता है थ्रू आउट द लाइनर। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, द थर्ड पर्पस ऑफ पिस्टन रिंग इज टू हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ सिलेंडर लाइनर, द इट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग द सिलेंडर ल्यूब ऑयल थ्रू आउट द लाइनर। बस दोस्तों इतना सा सिंपल सा जवाब है, अगर आपने अच्छे से इसको फ्रेम करके इसी तरीके से दे दिया जैसे कि मैंने आपको सिखाया है अभी अभी पॉइंट 1, 2 और 3 में, तो दोस्तों आपका ये जवाब बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा और आपको कोई भी नहीं रोक सकता है इस इंटरव्यू में एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने से। अब दोस्तों जो अगला सवाल है, जो फोर्थ हमारा सवाल है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है, और ये दोस्तों सवाल क्लियर होने के लिए, ये दोस्तों इस सवाल का जवाब अच्छे से देने के लिए ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स है 4-स्ट्रोक इंजन और 2-स्ट्रोक इंजन, ये बहुत ही इनके ज्यादा फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए, बेसिक फंडामेंटल्स, तो दोस्तों आपको इस सवाल का जवाब देने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। दोस्तों ये कौन सा सवाल है आइए डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट माउंटिंग्स विच आर प्रोवाइडेड ऑन द सिलेंडर हेड ऑफ अ 2-स्ट्रोक मरीन डीजल इंजन। रिपीट करता हूं दोस्तों, व्हाट आर द डिफरेंट माउंटिंग्स प्रोवाइडेड ऑन द सिलेंडर हेड ऑफ अ 2-स्ट्रोक मरीन डीजल इंजन। एक 2-स्ट्रोक मरीन डीजल इंजन के सिलेंडर हेड पे कौन सी माउंटिंग्स प्रोवाइडेड होती है? तो दोस्तों टाइम को वेस्ट किए बिना सीधा सीधा हम पॉइंट पर आ जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी वो माउंटिंग्स है जो कि सिलेंडर हेड पर प्रोवाइडेड होती है। तो दोस्तों सबसे जो पहली माउंटिंग होती है वो जो सिलेंडर हेड पर प्रोवाइडेड होती है वो होती है फ्यूल वाल्व दोस्तों प्रोवाइडेड होते हैं। उसके बाद दोस्तों होते हैं एग्जॉस्ट वाल्व, थर्ड होता है दोस्तों रिलीफ वाल्व, फोर्थ होता है दोस्तों इंडिकेटर कॉक, और दोस्तों फिफ्थ होता है एयर स्टार्टिंग वाल्व। ये 5 माउंटिंग्स है दोस्तों, और अगर आपने इनको बिना किसी हिचकिचाहट के बड़े ही आराम से बोल दिया तो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन ये इंटरव्यू रूम में आपके लिए क्रिएट करने वाला है। तो दोस्तों सवाल का जवाब कैसे देंगे अब हम वो देखते हैं। द माउंटिंग्स विच आर प्रोवाइडेड ऑन द सिलेंडर हेड ऑफ अ 2-स्ट्रोक मरीन डीजल इंजन आर फ्यूल वाल्व, रिलीफ वाल्व, एयर स्टार्टिंग वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व एंड इंडिकेटर कॉक। बस इस तरीके से इस सवाल का जवाब बड़ी आसानी से आप बड़ी सिंपल लैंग्वेज में दे सकते हैं और एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। देखा दोस्तों आपने किस तरीके के सिंपल सवाल है, लेकिन आप जब इंटरव्यू रूम में जब जाते हैं तो इन सवालों को आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं बहुत बार, और
यहाँ पे आप मात खा जाते हैं, यहाँ पे आप घबरा जाते हैं थोड़ा सा सवालों के जवाब देते टाइम, और इन सिंपल से सवालों के जवाब आप वापस जाकर नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों ये मुझे पता है कि अभी तक इस वीडियो को आपने बहुत ज्यादा लाइक किया है, इस वीडियो ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया है। एक आखिरी क्वेश्चन दोस्तों बचा है, आइए डिस्कस करते हैं कि कौन सा है वो पांचवा सवाल जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है मेन इंजन से रिलेटेड मर्चेंट नेवी के इंटरव्यूज में। तो दोस्तों वो पांचवा सवाल है, वॉट ऑल आइटम्स यू शुड कैरी ड्यूरिंग स्केविन स्पेस इंस्पेक्शन। फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, वॉट ऑल आइटम्स यू शुड कैरी ड्यूरिंग स्केविन स्पेस इंस्पेक्शन। स्केविन स्पेस इंस्पेक्शन के दौरान कौन से आइटम्स है जो कि कैरी करना नेसेसरी है। तो दोस्तों आइए सवाल के जवाब को डिस्कस करते हैं। स्केविन स्पेस इंस्पेक्शन में आपको स्केविन स्पेस के अंदर जाना पड़ता है, फिजिकली आपको अंदर जाना पड़ता है, और आपको जो बहुत सारी जो कंडीशंस होती है सिलेंडर लाइनर से रिलेटेड, पिस्टन से रिलेटेड, उन सबको आपको चेक करना होता है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर इंस्पेक्शन में। तो दोस्तों उनके लिए सबसे ज्यादा टूल्स कौन कौन सी जरूरत होगी। सबसे पहली जो चीज है दोस्तों, अंदर जाने से पहले आपको एक चीज रिकग्नाइज करनी होगी कि आपकी जो पॉकेट्स है वो होनी चाहिए एम्प्टी, आपकी पॉकेट्स में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों इसलिए होता है कि अगर आप स्कैविन स्पेस में चले गए और आपकी पॉकेट में से गलती से कुछ गिर गया तो दोस्तों आपको आपको तो पता भी नहीं चलेगा, और जब मेन इंजन जब नॉर्मल रनिंग स्टार्ट होगी तब वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों इसी के लिए आपको सबसे पहले इंश्योर करना होता है कि जो इंसान अंदर जा रहा है उसकी पॉकेट्स बिल्कुल खाली है, उनकी पॉकेट्स में कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट है, एक फ्लैश लाइट कैरी करनी होती है, क्योंकि ऑफकोर्स अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है तो इसके लिए आपको फ्लैश लाइट भी कैरी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों एक मिरर भी ज़रूरी होता है ताकि आप रिफ्लेक्शन करके देख पाएं कि कौन से पार्ट का कैसा है, मतलब अभी उसकी कंडीशन क्या है। तो दोस्तों उसके लिए एक मिरर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगला है दोस्तों एक बकेट ऑफ रैग्स, एक छोटी सी बकेट में आप बहुत सारे रैग्स भी आपको लेकर अंदर जाने हैं किसी भी पार्ट की क्लीनिंग के लिए, तो दोस्तों आपको रैग्स भी ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला दोस्तों जो पॉइंट है वो है टर्निंग गियर ऑपरेटिंग कंट्रोल। जो टर्निंग गियर है दोस्तों बाहर से कोई स्टार्ट ना कर दे जब आप अंदर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन एक हो सकती है। इसके लिए आपको एक रिमोट कंट्रोल दिया जाता है जिससे सिर्फ आप अपनी सहूलियत के द्वारा आप टर्निंग गियर को ऑपरेट कर सकते हैं और जो पिस्टन है उसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं, और आप बड़ी ही आसानी से जो कंडीशन है वो आप चेक कर सकते हैं पिस्टन की। और दोस्तों जो लास्ट है वो है एक डिजिटल कैमरा आपको अंदर ले जाना होता है ताकि आप हर पार्ट की एक अच्छे से फोटो खींच पाए और बाहर आकर उसको अच्छे से एनालाइज कर पाए, और दोस्तों वो एक प्रूफ की तरह भी उसको रखा जाता है, और जो कंपनी होती है शोर पे उसको भी वो सेंड किए जाते हैं ताकि एक प्रूफ हो जाए, जो सुपरिटेंडेंट को है उसको एक प्रूफ मिल जाए कि क्या क्या पार्ट्स अच्छी में किस तरीके से कंडीशन है पार्ट्स की, और अगर कोई पार्ट ज़्यादा वियर डाउन है तो ये एक प्रूफ की तरह सेंड किया जा सकता है कि अच्छा ये पार्ट ज़्यादा वियर डाउन है और इसको रिप्लेस करना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको स्केविन स्पेस इंस्पेक्शन के दौरान अंदर ले जानी ज़रूरी है। फिर से एक बार फास्ट फास्ट हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है दोस्तों वो है कि आपकी जो पॉकेट्स है दोस्तों वो एम्प्टी होनी चाहिए, योर पॉकेट शुड बी एम्प्टी। द सेकेंड थिंग इज फ्लैश लाइट, थर्ड मिरर, फोर्थ अ बकेट फुल ऑफ रैग्स, फिफ्थ टर्निंग गियर ऑपरेटिंग कंट्रोल, एंड सिक्स्थ डिजिटल कैमरा। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू शुड एंड मस्ट कैरी ड्यूरिंग अ स्केविन स्पेस इंस्पेक्शन। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस कर लिए हैं पांच ऐसे सवाल मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मेन इंजन से रिलेटेड, जो कि बार बार इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और दोस्तों बहुत सारे लोग इनका जवाब नहीं दे पाते हैं। अगर दोस्तों आपको मरीन इंजीनियरिंग के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है और सिर्फ अपना टेक्निकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना है और ये जानना है कि कौन से सवाल पूछे जाते हैं, तो दोस्तों अभी के अभी हमारी जो एडवांस मरीन इंजीनियरिंग की ई बुक है उसको अभी के अभी आप परचेज कीजिए और दोस्तों पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा अपना पूरा टेक्निकल नॉलेज प्रिपेयर करने में जो कि इंटरव्यूज में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आप वो कभी कभी खरीद सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों अगर आपको और भी आप चाहते हैं कि हम किसी सवालों पे ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कौन से आपके सवाल हैं टेक्निकल सवाल जिन पे आप वीडियोस चाहते हैं। तो दोस्तों हम जरूर उन सवालों पे भी बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, मॉक इंटरव्यूज भी दोस्तों हम बना रहे हैं। तो दोस्तों ये इन सब चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू एड होने वाली है आपकी लाइफ में और आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी कोई भी मरीन इंजीनियरिंग का इंटरव्यू क्लियर करने में। ये दोस्तों हमारी गारंटी है कि ऐसा मरीन इंजीनियरिंग का कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे हम इस यूट्यूब चैनल पे कि कोई भी आपको इंडिया में कहीं पे भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला है।
तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दोस्तों प्रेस करना होगा और हमारे साथ बने रहना होगा इस चैनल पर बहुत काफी लंबे टाइम के लिए, ताकि हम जितनी भी नॉलेज प्रोवाइड करें वो सब नॉलेज आप गेन कर सकें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मैं हूं आपका दोस्त जयवर्धन सिंह नानावत, ऐसे बहुत सारे वीडियोज में आपसे मिलता रहूंगा मैं बार बार। और दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।